का छुपी ऊपर झील का छुपी ओ वाह न्यू लुक, लेकिन ये लुक तुम्हें आने वाले कहर से बचा नहीं पाएगा। कल जो प्लॉट रिजेक्ट करवाया था तुमने, उनकी इकलौती बेटी मायरा ने खुद शॉर्टलिस्ट किया। वो इस फैसले से बहुत नाराज है। व्हाट द हेल, सॉरी, देखकर ठीक से चला नहीं जाता और आ गए यहाँ पर कॉर्पोरेट हाउस में काम कर। मैं मिस्टर सार्थक, जो हमारे न्यू जॉइनी है, मैं उन्हें चैलेंज करती हूँ कि अगर मेरा प्लान फाइनल हो गया तो मैं उसे कामयाब करके रहूंगी। हमने आपको जो सजेशन दिया था, हम अब भी उसी पर कायम। ये एक बहुत बड़ा फल है, इस पे मैं कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहता। एक काम कर, तुम दोनों अपने अपने प्रेजेंटेशन तैयार करो, मैं एक एक्सपर्ट्स की टीम बुला रहा हूँ, तुम लोगों के प्रेजेंटेशन हम उन्हें देंगे, लेट्स सी वो लोग जो भी फैसला लेंगे वही होगा। कूल, आई एम फाइन विद इट। ओके गाइस, सी यू टुमारो। रुको, कहाँ रॉकेट की तरह घुसी चली जा रही हो? वो सुषमा की तबीयत खराब थी तो हम आए हैं दीदी, घर का काम करने आए हैं। घर का काम करने आए हैं? किस वक्त, किस समय हुआ है का? यहाँ इतनी देर से काम नहीं होता। और जिसकी मदद करने आई हो ना, उसने पूरा काम कर लिया है, तो घर जाओ, कल आना और थोड़ा जल्दी। जी ठीक है। बात करती है फुलवा, रुक जरा, सृष्टि दीदी के घर का काम हो गया, अभी तो तू गई थी। अभी दीदी ने सारा काम कर लिया था और उनकी ननद ने कहा कल से आना और जल्दी आना। मम्मी जी। हाँ धीरा। मम्मी जी, नीचे फुलवा मिली थी, वो बता रही थी उसे दरवाजे से ही बिना काम करवाए लौटा दिया उन लोगों ने, जानबूझकर हमारी सृष्टि की जिंदगी बेहाल करना चाहते हैं वो लोग। ऐसे कैसे उन्हें अपनी बेटी को परेशान करने देंगे, हम भी सृष्टि की माँ है और हमें बहुत अच्छे से पता है कि अपनी बेटी को इस मुसीबत से कैसे निकालें। अरे कल्याणी। मम्मी क्या हुआ? एक काम करो, पानी गरम करके लाओ, उसमें नमक डाल देना हा? और गरम पानी का सिकाई कर दो हमारी कमर में। कहाँ बताए मम्मी, हमेशा तो अपना दुख दर्द नहीं बताते ना आपको, देखिए ना हाथ कैसा ऐंठ गया है हमारा, सोच रहे हैं कैसे सेके आपको, खुद ही ऐसे लाचार हैं और आपकी सेवा कैसे करें। अच्छा बताओ, ये भी का बात हुई, तुम्हारा हाथ आई था, हमारी कमर आई थी। ठीक है, हम जाते हैं, पानी गरम कर लाते हैं, तुम्हारी कमर की जो है सिकाई कर लेंगे और तुम्हारे हाथ की। मम्मी क्या कर रही है, बैठ जाओ, नहीं अस्पताल पहुंचना है का? आपकी नई बहू आई है ना, आपकी सेवा उसी से कराते हैं और का। हाँ वो भी ठीक है बड़ी, अरे हम कहे थे उसको, जाने कहाँ रह गई। जाओ फिर सृष्टि को कहो पानी गरम कर लाए। हम अभी आते हैं, पानी थोड़ा तेज गरम करा। भाभी। हेलो। हाँ भाभी। सृष्टि तुम जल्दी से घर आ जाओ, मम्मी की अचानक से तबीयत बहुत खराब हो गई है। क्या क्या हुआ माँ को? हमें खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। जी हम अभी आते हैं। ये भगवान, ये कैसी दुविधा में डाल दिया है, यहाँ मम्मी जी इतनी बीमार हैं और वहां की तबीयत ठीक नहीं है,
सृष्टि क्या हुआ? भाभी का फोन आया था, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, हमें आने के लिए कह रही थी। हम यहाँ पर मम्मी जी की पीठ सेक कर घर होकर आते। पगला गई होगा, जाओ अपने घर, अपनी अम्मा की सेवा करो, हम हमारी मम्मी की पीठ सेक देते हैं, ठीक है? अरे एक माँ का दर्द बेटी ही दूर कर सकती है ना, जा। सच दीदी, थैंक यू सो मच, हम आते हैं। इलो, हम आ गए। तुम कहाँ आई? अब कहाँ कहे मम्मी, ये आजकल की लड़कियाँ सास ससुर की सेवा के नाम पे ऐसे भाग जाती है जैसे गधे के सर से सींग। अरे रहने दो, छोड़ो छोड़ो, अभी बताओ कि तुम कहाँ आई हो, अपने हाथ की आइटम को और खराब करोगी। सृष्टि कहाँ है? मायके गई है। हाँ? मायके गई है? अरे आपकी सेवा की बात सुनते ही उसकी अम्मा बिस्तर पकड़ ली। हम न कहते थे ऐसा ही होगा। अरे और करो मोहल्ले में शादी, ये सब नुकसान है। एक मिनट, मतलब तुम सृष्टि को कही थी कि हमारे कमर में मौज आई है और शिकायत के लिए बुला रहे हैं हम, और ये सुनने के बाद भी वो मायके चली गई? हाँ और नहीं तो का, कहती है हमारी मम्मी हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, इसलिए सारा काम धाम छोड़कर भाग गई वहाँ। सही बताए मम्मी, कोनो बीमार नहीं है उसकी अम्मा, ये माँ बेटी की मिली भगत है काम चोरी करने की। हाँ और कुछ नहीं, चलो छोड़ो, उसे अपनी सास की फिक्र नहीं है तो क्या हुआ, आप तो हमारी मम्मी हो ना, हमें तो फिक्र है आपकी, तो हमारे हाथ ऐठे या कुछ भी हो जाए हम तो आपकी सेवा करेंगे ना, दिखाओ तो जरा। रहने दो कल्याणी, छोड़ो इसको यहाँ, फेंक दो। अरे कल्याणी, अब हमारा ये दर्द इस इकाई से ठीक नहीं होने वाला। भाभी आपने तो कहा था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। हमने वही कहा सृष्टि जो हमें मम्मी जी ने कहने के लिए कहा। क्या मतलब? माँ हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपने झूठ बोलकर हमें क्यों बुलाया? ताकि तुम्हें यहाँ सुकून के कुछ पल मिल सके। हम जानते हैं सृष्टि, वहां उन लोगों ने तुम्हें नौकरानी बनाकर रख दिया। और तो और, वो कल्याणी, उसने काम वाली बाई को भी निकाल दिया ताकि सारा का सारा काम तुम्हें करना पड़े। माँ ऐसी कोई बात नहीं है, माफ कीजिए पर आपने जो किया गलत किया, हमें झूठ बोलकर आपको नहीं बुलाना चाहिए था, पर वो हमारा घर ही तो है, अगर वहां का काम हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? बेटा तुम सही कह रही हो, काम करना बहुत अच्छी बात है, पर ऐसे जानबूझकर किसी को परेशान करना ये कहाँ का न्याय है? बहू वो सृष्टि का घर है, तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं है, सृष्टि अपना घर संभाल लेगी। माँ हम आपकी फिक्र को अच्छी तरीके से समझते हैं, पर आपको विश्वास नहीं है कि अपनी बेटी पर, जो भी है जैसा भी है हम संभाल लेंगे, हमें वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आगे से आप ऐसे झूठ बोलकर हमें मत बुलाइएगा प्लीज। अच्छी खासी खड़ी है, देख लियो मम्मी, ये है तुम्हारी आदर्श बहू, अपनी माँ का बीमारी का बहाना कर पर यहाँ मायके आ गई आराम फरमाने। वहाँ काम पड़ा है पढ़ने दो, सास बीमार है तो क्या हुआ, हम तो यहाँ आएंगे
पॉकेट पिक कर काम तो कर ही लेगी, हमें कहा है ना? नहीं कल्याणी, सृष्टि की कोई गलती नहीं है, इसे यहाँ हमने ही बुलाया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ भांजी, अब आप अपनी बिटिया की गलती छुपाने के लिए झूठ भी बोलेंगी? अरे आपकी बीमारी का झूठा बहाना करके यहाँ आई है ये? नहीं भाभी जी, हमने ही अधीरा से कहा था कि सृष्टि को यहाँ बुलाए, सृष्टि ने तो हमें कुछ नहीं कहा है। वाह भैया, ये तो पूरा परिवार ही नौटंकी बाज है, एक से बढ़कर एक खेल खेल रहे हो ना हमारे साथ। खेल कौन खेल रहा है कल्याणी, वो तो दिख ही रहा है, काम वाली रखने के बावजूद तुमने उसे वापस भेज दिया ताकि हमारी सृष्टि को सारा काम अकेले करना पड़े। अच्छा, अब समझे हम, वो काम वाली नहीं थी, वो तुम्हारी जासूस थी हमारे घर। कितने और गिरोगे तुम लोग? हाँ देखिए बहन जी, इस बात को हम जबरन भूलना ही देना चाहते, बस एक को बात अच्छे से समझ जाइए, हमको हमारे घर में ताका झांकी और बेफालतू का दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मी जी, हम मानते हैं माने जो किया गलत था, माँ की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं, इस बार हमें माफ कर दीजिए, पर हम आपसे वादा करते हैं कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी दोबारा। इस बार इस बात को आप इधर ही खत्म कर दीजिए और घर चलिए। इस बात को ना सृष्टि, जितना जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा है कि तुम्हारा घर ई नहीं ऊ है। जब मन करता मुंह उठाए मायके भाग आती हूं। इस बार का बैच कुछ ठीक नहीं आया मैम, कुछ तो लूजर्स है और कुछ सार्थक जैसे एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंट। बताइए, दो दिन हुआ उसे नौकरी ज्वाइन किए और वो आपको चैलेंज करने चला है। आपको सक्सेस पाने के लिए लोग क्या क्या बेवकूफियां करते हैं नहीं, लेकिन जब कल आपके एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस के आगे उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ेगी ना, तभी अकल ठिकाने आएगी उसकी। अगर आप कहे तो किसी और काम में फंसा दूं उसको ताकि वो प्रेजेंटेशन तैयारी ना कर पाए। व्हाट रबिश, लिसन डोंट बी सो स्टूपिड ओके, अपने काम से मतलब रखो। किसी को नीचे गिराकर ऊपर उठना ना ही तो मेरा शौक है और ना ही मेरी आदत। आई बिलीव इन फेयर गेम और इसी में हराऊंगी इस लूजर को। क्या बात है, अब से मेरे सामने झुकने की प्रैक्टिस कर रहे हो? एक्चुअली मैम, हम तो आप ही के पास आ रहे थे ये कहने के लिए कि आप ये चैलेंज वापस ले लीजिए। क्यों, डर गए क्या? नहीं मैम, आप इस कंपनी के ओनर की बेटी हैं, आपको हारते हुए देखकर अच्छा नहीं लगेगा हमें। ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। बस यही बात हम आपसे कहना चाहते हैं। आई विल सी यू टुमारो। श्योर मैम। एक्सक्यूज मी। ओह नो मम्मी, हम तो स्केल लाना भूल गए। अब क्या करें, अगर घर जाएंगे स्केल लाने के लिए तो आपकी बस निकल जाएगी। हम एक काम करते हैं,
हम दुकान से आपको नया स्केल खरीद के दे देते हैं, ठीक है? आप इधर ही खड़े हो जाओ, आ जाओ, कहीं जाना मत, आ रहे हूँ। है तुम्हारे घर वाले, अगर हमारे बारे में इतनी ऊंची सोच है उनकी, तो काहे अपनी बिटिया की शादी कराए यहाँ पर? हमारी बीमार मम्मी को तुम्हारी वजह से परेशान होना पड़ा, और तुम कैसी बहू हो, अपनी बीमार सास को छोड़कर चली गई। ये संस्कार दिए तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें? दीदी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हम अपनी मर्जी से कहाँ गए थे? आपने तो कहा था जाने के लिए कि हम माँ को जाकर देख आए, और आप मम्मी जी को संभाल लेंगी। हाय दैया, जैसी अम्मा वैसी औलाद, एक नंबर की झूठी हो तुम। अरे हम काहे कहेंगे कि हमारी बीमार मम्मी को छोड़कर तुम्हारी मम्मी की सेवा करने को? अपने मम्मी से प्यार नहीं है क्या हमें? एक तो काम चोरी करती हो, ऊपर से हमें झूठा कह रही है मम्मी। अरे ओ सृष्टि, एक बात है ना, अच्छे से समझ जाओ। हम कछु कहते नहीं है, ई का मतलब ही बिल्कुल मत समझना कि हम कछु समझते नहीं है। हमें सब दिखता है। और एक बात, तुम उस घर का बेटी थी, अब ई घर की बहू हो, तो सबसे पहला फर्ज और जिम्मेदारी तुम्हारी तुम्हारे ससुराल की तरफ है, और घर की तरफ बाद में, समझी? जी मम्मी जी, पर एक बार बस, हमको कछु साफ सफाई नहीं चाहिए। आप मम्मी नानी कहाँ थे आप लोग? हमें खुद ही तैयार होना पड़ा। मम्मी चलो बस इस शॉप पे छोड़ के आओ, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ चलो। अरे वो कल्याण रुक जा, यश को सृष्टि छोड़ कर आएगी, तू हमारी शिकायत कर दे, चल जल्दी से, आप बर्दाश्त नहीं हो। अरे हम काहे करेंगे शिकायत, आपकी बहुरी आई है ना, उसे कराओ सेवा, हम जा रहे हैं। नहीं मम्मी, आप नानी के साथ रहो, हम मामी के साथ जाएंगे। तो मम्मी हाँ हाँ जाने दे इनको। सृष्टि जा छोड़ के आ यश को, और पूजा पानी लेकर आ जल्दी से, अब नहीं बर्दाश्त होगा हमसे। अरे कौन है जो हमें देखकर यूं छुप रहा है? कौन है ये आदमी जो सुबह से हमारा पीछा कर रहा है? कौन है आप? प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी। ओ नो मम्मी, हम तो स्केल लाना भूल गए, अब क्या करें? अगर घर जाएंगे स्केल लाने के लिए तो आपकी बस निकल जाएगी। हम एक काम करते हैं, हम दुकान से आपको नया स्केल खरीद के दे देते हैं, ठीक है? आप इधर ही खड़े हो जाओ, आ जाओ, कहीं जाना मत, आ रहे हैं हम।
ये लो आपका स्केल, आपके बैग में रख देते हैं। आज नहीं तो कल हम तुम तक जरूर पहुंच के रहेंगे। इन दोनों के लिए बड़े बढ़िया तोहफा हो जाएगा। बिल्कुल। अरे पापा, आप लोग अभी तक ऑफिस नहीं गए, यहीं हैं? बेटा आज कॉलोनी की कमेटी की मीटिंग थी, बस वहीं से आ रहे हैं। बस अब निकलेंगे ऑफिस। कैसी मीटिंग? बेटा आज हमारी कॉलोनी की वार्षिकी है, आज ही के दिन हमारे बैंक ने हमारी इस कॉलोनी का उद्घाटन किया था। और इसी खुशी के उपलक्ष में आज कॉलोनी की कमेटी ने एक बहुत अच्छा फंक्शन रखा है बेटा, और साथ ही साथ बच्चों का एक हेल्थ कैंप भी रखा हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे बेटा उससे भी अच्छी बात बताऊं, कॉलोनी की कमेटी ने तुम्हें और सार्थक को इस फंक्शन का चीफ गेस्ट बनाया है। हमें और सार्थक को? यस। क्यों? अब वो इसलिए बेटा कि हर साल ये मौका किसी नवविवाहित जोड़े को दिया जाता है, इस बार तुम्हें और सार्थक को दिया गया है। ठीक है, हम सार्थक को फोन करके बता देते हैं कि वो ऑफिस से जल्दी आ जाए। हाँ बेटा। चलो बाय पापा। बाय। ओके बेटा बाय। चलो आइए सर। मम्मी हम क्या कर रहे थे, आपने ना यश को सिस्टी के साथ नहीं भेजना चाहिए था। अरे दो दिन हुए वो लड़की को यहाँ पे आकर, बस वो हमारे यश को हमसे दूर कर देगी। बॉडम हो तुम हाँ? अरे कोई भी एक बेटे को उसकी माँ से अलग नहीं कर सकता, समझी? सृष्टि कर सकती है, देखा नहीं सार्थक को कैसे अपने काबू में कर ली है। हर बार उसी की वकालत करता घूमता है, और हम कह रहे हैं हम हमारे यश से बहुत प्यार करते हैं, हम उसे नहीं खो सकते। बस जो मन में आए बोलती हो, काका सोचती हो, बस इकाई करो हमारी। यश को समझाना पड़ेगा कि उसे मामी के साथ नहीं मामा के साथ रहना है। कौन है ये आदमी सुबह से हमारा पीछा कर रहा है? कौन है आप?